Marvelous engineering. Before starting our video, if you didn't subscribe our channel, then first click on subscribe option, then click on bell icon so that you can never mistake any update. Before starting our video, if you didn't subscribe our channel, then first click on subscribe option, then click on bell icon so that you can never mistake any update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में WCC2 के लेटेस्ट वर्जन 2.8.5.1 के मोड एपिको को किस तरह से इंस्टॉल कीजिएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉइन और सभी टूर्नामेंट कस्टमाइजेशन एंड ओवर एंड स्टेडियम अनलॉक मिलेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ऐप चाहिए, हैक एपीके डाटा, जो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर देख रहे हो मोबाइल के चौथे नंबर ऐप हैक एपीके डाटा। इसके इंस्टॉल करने के बाद इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप इस हैक एपीके डाटा प्रो को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना पड़ेगा और यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा WCC2 और उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपको अगर वाईफाई यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ करें तो आप इसे अनटिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसा आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है, इसे होने में समय लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने मोबाइल में WCC2 चैम्पियन की लेटेस्ट वर्जन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि आपको इस गेम को खोलना नहीं है, आप सीधे चल जाइएगा अपने फाइल मैनेजर में और वहाँ सब चल जाइएगा ऑल फाइल में और एंड्रॉयड में जाइएगा। सब मोबाइल में सब जगह होता है फाइल मैनेजर, आपको सिंपल अपने फाइल मैनेजर के एंड्रॉयड फोल्डर के OBB में आना है, इसके बाद जो आपको एक ये फोल्डर होगा com.nextwave.wcc2, आपको इसे टिक करना है, मोड पर जाना है, रिमेन करना है और इसे आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा, आगे जोड़ दीजिएगा, इसमें WT ऐड कर दिया है, इसे आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियन टू में और इस सबको अनइंस्टॉल कर देना है। इसे अनइंस्टॉल करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक WCC2 के मोड एपी का लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं उसे डाउनलोड नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और सीधा आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, चल जाएगा, बीच में कोई भी एड उड नहीं आएंगे। सीधा आपको उसे डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है, जो आपके इस नाम से आएंगे revised.apk, तो इस नाम से ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है जो आपको लिंक में मिल जाएगा और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉलिंग होने पर जैसे आप बैक कर दीजिएगा, बैकग्राउंड में इंस्टॉल होता रहेगा और आप अपने मोबाइल के फिर से ऑल फाइल में आके एंड्रॉयड के OBB में आके जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किए थे नेम इस फोल्ड में, इस फोल्डर में, उसे आप हटा दीजिएगा। मैंने .t ऐड किया था, मैंने .t को हटा दिया, इसे सिंपली com.nextwave.wcc2 पर लिख कर छोड़ देना है, इस आप सेव कर दीजिएगा। फिर आप देखिए आपका ऐप इंस्टॉल हो गया होगा। अब इसे आपको खोलना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप इसे शुरू शुरू खोलेगा तो ये आपसे अलाउ नेटवर्क को अलाउ या डिजेबल का ऑप्शन देगा, तो अगर आप नेटवर्क अलाउ कर दीजिएगा, मतलब कि ये इंटरनेट यूज करेगा, तो आप में वो चीट जो है जिससे सब सारे टूर्नामेंट अनलॉक है वो काम नहीं करेंगे। ये गूगल प्ले का ऑप्शन आ गया जो कि मोड एप्लीकेशन में इंस्टॉल होगा नहीं। आपको करना क्या कि आपको सबसे पहले क्विक प्ले मैच प्ले कर लेना है, किसी भी तरह से कोई भी ओवर, किसी भी मीडियम। मैंने अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को 5 ओवर का इजी मैच रखा है, टिक कर देना है। एक आपको कोई भी स्टेडियम सेट करना है, मैंने हैदराबाद कर लिया और नाइट मैच रखा है और यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, यस ओके हिंदी,
बल्लेबाज से कुछ दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार, हेड्स या टेल्स ये कोई नहीं जानता, और ये टेल्स है। फील्डिंग का निर्णय लिया है, एक अच्छा चयन। अगर विकेट में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, आपको करना क्या है, सिंपली कि आप एक बॉल फेंक दीजिएगा, कोई भी एक बॉल। शॉट्स थोड़ा नियंत्रण से खेलने होंगे क्योंकि फील्डर्स अपनी पोजीशन पर तैनात। और इसने तो छक्का मार दिया, इस चौका गया। भेजा गेंदबाज को संदेश, आप ऐसी गेंद करते रहिए और चौके खाते रहिए। एक बॉल को आपको इसे ऑटो प्ले कर देना है, उसके बाद जब आपके बैटिंग आएगी तो आप भी एक बैट एक और बैटिंग कर लीजिएगा, बस एक ही बॉल। आशा करते हैं, चलिए मैं भी एक बॉल खेल लेता हूँ। उसको तब कुछ से भी ऑटो प्ले कर देना, हार चाहे जीत मान्य नहीं रखता। और इसने तो मुझे बेइज्जती से हरा दिया, पर अभी हमें जीत आने देखना, अभी हमें चीट पर ध्यान देना। विपक्षी बॉलिंग ने पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, इनको फिर से अपने बेसिक सुधारने होंगे। काबिले तारीफ स्कोर खड़ा किया इस बल्लेबाज ने, मैन ऑफ द मैच पाने के प्रबल दावेदार। इसको आपको होम पर चल जाना है, एड्स आ रही है। इसके बाद करना क्या, आपको टूर्नामेंट में जाकर उसे अनलॉक तो होगा नहीं, पर आपको जाकर बस एक बार क्लिक कर देना है, नो पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ आकर एक बार नो पर क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। इसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है, सभी बैंक अकाउंट आप मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस ऐप को खोलना हैक ऐप ऐप डाटा हैक अपडेट करने को, आपको यहाँ पर ना हैक यूजर ऐप, इसमें आपको जाना है WCC2 और यहाँ पर ना है प्रेफरेंस पर और com.next/WCC2.v2 प्लेयर प्रेफरेंस इसको खोलना है। इसके बाद आपको इसमें आपको ऊपर से देखना है, आपको देखो यूडी टूर्नामेंट इससे पर क्लिक करना है और जीरो के जगह पर हम एक लिख वन प्रेस कर देंगे, बस जीरो को वन से रिप्लेस करते चल जाना। चले हमारा जीरो सारा जीरो वन से प्लेस हो चुका है, इसे हम सेव कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे की तरफ, और अब देखिएगा कि आपको मिलेगा। उसके बाद आपको ये देखिए यूडी स्टेडियम, इस पर क्लिक करना है और सभी जीरो को वन कर देना है। इस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लेन देन हो जाए। चलिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सब जीरो जीरो को वन से रिप्लेस कर दिया, इसको आप सेव कर देना क्लोज। स्टेडियम के बाद आप नीचे आएगा तो आपको कस्टमाइजेशन IAP मिलेगा, इसे भी आपको जीरो रिप्लेस करके वन कर देना। इसके बाद अब जब इसके आप नीचे आएगा तो आपको कहीं पर यूडी ओवर मिलेगा, मैं नीचे आ रहा हूँ, नहीं मिला, चलिए मैं फिर से देख लेता हूँ। ये रहा यूडी ओवर, तो आपको इसे भी जीरो को रिप्लेस कर वन कर देना है। इसके बाद इन चार चीज को आपको वन करना है, एक यूडी टूर्नामेंट्स, फिर आपका दूसरा आता है स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा होता है, सबको वन, फिर आपको कस्टमाइज वाला पर जाना है,
यूके स्टेडियम के आसपास में थी। यहाँ इस सबको वन वन कर देना है और उसके बाद आपको जाना है यूडी ओवर में। ये रहा, इस सबको वन 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 कर देना है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और इसे काट दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना दिमाग में कि जब भी WCC2 को खोलें तो आप नेट को ऑफ रखें। अगर आप नेट ऑन कीजिएगा तो जो प्रोसेस आपने किया था अभी कि अपने स्टेडियम टूर्नामेंट ओवर और कस्टमाइजेशन को 001 किया था वो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है और आपकी सारी चीज अनलॉक हो जाएगी। तो आपको फिर से वहाँ पर जाना पड़ेगा और फिर से 01 से रिप्लेस करना पड़ेगा और फिर से WCC2 को खोलना पड़ेगा। अगर अगेन आपने WCC2 को नेट ऑन में खोल दिया तो फिर से 01 ही जो 0 में रिप्लेस हो जाएगा, आपको सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। तो इसके तहत आप नेट ऑफ कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप सेटिंग में जाकर, सबके मॉल में सब तरह रहते हैं तो आप अपने मॉल में देख रहे किस प्रकार का है। आप यहाँ आइएगा ड्यूल सेवन सर्कुलर, आप में कहीं और आएगा और जो जो भी ऐप इंटरनेट का यूज करता है उस ऑप्शन पर जाकर आप WCC2 को इंटरनेट एक्सेस ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा WCC2 को। आपके मन में अगर देगा तो आप WCC2 पर जाके उसे क्लोज पर कर देना है, मतलब वो हमारे इंटरनेट को यूज नहीं करेगा। और दूसरा कि आप प्रिवर्सी में जाएगा, सॉरी परमिशन में जाएगा कि कौन से आपको क्या परमिशन दिए हैं, और वहाँ जाने के बाद आप मोबाइल नेटवर्क में जाकर अगर WCC2 को दिए हो तो वो भी उसके ऑफ कर दीजिएगा। जैसे मैं इसे यहाँ से फॉरवर्ड कर दूँगा, मतलब ये हमारे वाईफा को यूज नहीं कर सकता, मतलब खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद अब अपने गेम को खोल लीजिएगा, पर ध्यान रखना है कि अब जब भी WCC2 खोले आपका इंटरनेट ऑफ ही रहना चाहिए, नहीं तो वो वन जिसे आपने एडिट करके 0 को 1 किया था वो फिर से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। तो चले अब हम WCC2 को खोलते हैं नेट ऑफ करके, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। चलिए हमारा गेम ओपन हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इस गेम को ओपन होने के दौरान एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपका इसमें स्टेडियम अनलॉक नहीं हो पाता है, तो फिर से वो ऑटोमेटिक 0 हो रहा है जबकि मैं नेट ऑफ करूँ। फिर भी देखिए बैकअप को सब कुछ अनलॉक मिल जाएगा। मैं इस एरर को भी जल्दी सॉल्व करके आपको बताने वाला आखिर हो क्यों रहा है। बैकअप को सब कुछ अनलॉक है सिवाय स्टेडियम के, और ये जो ट्रायल सीरीज और आप ये जो एशियन कप देख रहे थे शुरू से यानी अनलॉक हो रही है। इस पर भी काम चल रहा है, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो स्टेडियम चौक को सब कुछ अनलॉक मिल जाएगा। तो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।